आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव खबरिया घाट पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर और ब्लॉक से इसकी दूरी 13 किलोमीटर है। इस गांव की प्रधान श्रीमती माया देवी हैं। चार वर्ष में कितना विकास इन्होंने कराया है और क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के खबरिया घाट गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान पुत्र से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान पुत्र के पास। जी दानवीर जी, यहां प्रधान आपकी माता जी हैं, उनके कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं। क्या क्या विकास कार्य आपका गाँव में करवा दिए आपने? करीब हमने करीब 180 शौचालय बनाए हैं। ओडीए हो गया गाँव पूरा जी, और जिसकी करीब 2,500 के करीब हमने सीसी टाइल्स और स्कूल में टाइल्स वगैरह पार्ट्स वगैरह बहुत। आवास मिले हैं आपको? जी 4 आवास हमारे यहाँ, कुल 4 आवास। जी 4 आवास मिल पाए। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है यहाँ लोगों को, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या ये सभी के यहाँ मुफ्त में जो सरकार ने योजना चलाई है सभी लोगों को मिल पाए हैं? जी हाँ, जो उज्ज्वला योजना कनेक्शन है उसके करीब हमने 100-125 कनेक्शन हमारे यहाँ सरकारी में। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है वो कितने परसेंट लोगों को यहाँ मिला? वो भी आया होगा 50% आया होगा, 50% नहीं आया। बीजों पर सब्सिडी मिल रही है किसानों को? जी नहीं। किसानों का बीमा हुआ है? बीमा है कुछ लोगों का, है कुछ नहीं। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाई है? जी हाँ, सोलर लाइट, डस्टबिन वगैरह लगवाए हैं, डस्टबिन लगाए हैं। 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिलती है समय पर? जी जी। सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके गाँव में? सफाई की व्यवस्था बढ़िया, डेली सफाई कर्मचारी डेली अपनी नियमित आते हैं। स्कूल पर आपने जो कार्य करवाए हैं उसमें आपने कुछ बदलाव देखा? साल दर साल छात्रों की संख्या में कोई बढ़ोतरी या शिक्षा के स्तर में कोई बदलाव आया? हमारे टाइम में स्कूलों की साफ सफाई की बहुत बड़े तरीके से जी नहीं। पंचायत कर रहे हैं? पंचायत वाला बाबा ने लेकिन खंडित है। खंडित है। खेल का मैदान है? खेल का मैदान। शमशान घाट, कब्रिस्तान? कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट भी। बाउंड्री वॉल हो रखी है? कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल है लेकिन शमशानों की नहीं है अभी। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ? अस्पताल तो हमारे यहाँ वही भोजपुर में है, सरकारी तो बाकी तो प्राइवेट। यहाँ जनसंख्या कितनी आपकी ग्राम पंचायत में? इस समय 1750 होगी। क्या अस्पताल के लिए यहाँ आसपास कभी आपने मांग की है सरकार से? जी आप अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? हमने एक तो बराबर की मांग की थी और एक अपने शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण के लिए, बाउंड्री वगैरह और बाउंड्री वाले के लिए मांग की थी। कितने रास्ते अभी कच्चे हैं यहाँ? रास्ते तो लगभग हम सब पक्के कराए चुके हैं, कुछ पहले से हमारे पक्के थे, जो बच्चे थे वो सारे हमने करा चुके हैं, 2-4 रास्ते हमने करा। कितने गरीब लोग अभी ऐसे होंगे जिनके मकान कच्चे हैं, जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? 25-30 लोग। 25-30 केवल? और कोई समस्या आपके गांव में ऐसी है जिसके लिए आप चाहते हैं कि सरकार खासतौर पर आपकी ग्राम पंचायत में ध्यान दें? ग्राम पंचायत में वही ज़्यादा कर आवासों की, जैसे आवासों की समस्या ज़्यादा। सांसद या विधायक कभी आते हैं आपके गांव में देखने, निरीक्षण करने या आप लोगों की समस्या सुनने? सांसद या विधायक द्वारा नहीं आए थे, कोई भी जब वोट मांगने के लिए आता है। केवल वोट मांगने आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आया अभी तक। जैसा कि आपने देखा प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है। सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी मिले हैं लोगों को, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर जो कि बहुत ही जर्जर हालत में है, उसके नवनिर्माण के लिए भी यहाँ प्रधान पुत्र मांग करते हैं। अस्पताल को लेकर भी प्रधान पुत्र ने यहाँ मांग की है। शमशान घाट की बाउंड्री वॉल के लिए भी ये यहाँ पर मांग रखते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है। जी सर, यहाँ इस विद्यालय में कब से कार्यरत हैं आप? मुझे यहाँ 2 साल हो गए। सर यहाँ प्रधान द्वारा क्या विकास कार्य किए गए हैं आप? देखिए स्कूल में तो जब हम पहले आए थे तो काफ़ी स्थितियाँ अलग थी, अब स्कूल की भौतिक स्थितियों में बहुत अंतर आ गया, फर्श में आ गया है, इमारत में काफ़ी अंतर आए हैं, टॉयलेट अच्छे हो गए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, कुछ उन्होंने करवा दिए हैं, और समय समय पर जो कार्य योजना बनती है उसमें काम डलवाए जाते हैं। अभी भी कल एक मीटिंग थी ब्लॉक पर, उसमें भी समर सिविल वगैरह और कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो ये चल रहे हैं, फिटिंग वगैरह चल रही है, वो सब आपके सामने। काफ़ी सहयोग और काफ़ी अच्छी स्थिति में है, आगे बढ़ने की स्थिति में है। कितना सहयोग मिलता है प्रधान जी का आपके लिए? जी प्रधान जी का जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये है फिर भी ये लगे हुए हैं अपने इस तरह से।